इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। क्या बात है। माँ माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। वाह। और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। मैंने माँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी, कुछ लोगों की सुनी हुई हो सकती है, पर मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि माँ और कविता कभी पुरानी नहीं हुआ करती। मैं माँ पर कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनूंगा। स्वागत है भैया। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक मिनट के लिए अपने बचपन में लौटिएगा, याद कीजिएगा जब हम बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, माँ का स्तनपान करते थे, तब माँ का दूध पीते हुए माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। मित्रों, परमपिता परमेश्वर ने लात खाकर भोजन देने की शक्ति इस दुनिया में यदि किसी को दी है, वो सिर्फ माँ को दी है। माँ के अलावा ताकत किसी। मुझे नहीं मालूम इस भीड़ में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी माँ जीवित हैं, किनकी माँ दिवंगत हो गई हैं, पर मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जिनकी माँ जीवित हैं वो दुनिया के सबसे संपन्न, वो दुनिया के सबसे अमीर, उस दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग। मित्रों, मैंने माँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी, आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। बहुत सरल पंक्तियाँ हैं, बहुत सरल, जितनी सरल माँ होती है कविता भी उतनी सरल है, जितनी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। मेरी तमाम बदतमीजियों को क्षमा कीजिएगा और पूजा की कुछ पंक्तियाँ परोपकार के इस पवित्र मंच से आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिएगा माँ क्या होती है। उज्जैन का शायर है रमेश सोज, वो कहता है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। क्या बात है। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। वो माँ, आप राजस्थान से आए, मैं भी राजस्थान का हूँ, राजस्थान में जब हम चौके के सामने चूल्हे के पास बैठकर माँ से रोटी खाया करते थे, तब हमारे इधर उधर देखने पर, थाली पर बैठकर इधर उधर देखने पर वो माँ समझ जाया करती थी और नमक का डब्बा हमारी तरफ सरका दिया करती थी। हमारे बिना बोले को समझने वाली वो माँ, जब हम उसे खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। उस माँ की वंदना में कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, जो हमारे शुभ काम में दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर सामने आकर खड़ी हो जाया करती थी। वो माँ जब हम खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। मैं उस माँ की वंदना में पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वामीनाथ पांडे की 3 पंक्तियों का उपन्यास परोपकार के इस मंच से ले जाइएगा, ये भी परोपकार है। उसने लिखा कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूसरा ऊपर वाले माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर यह उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब इस नालायक हास्य व्यंग के कवि ने कुछ पंक्तियाँ माँ के लिए लिखी। मेरे साथ यात्रा कीजिएगा, आपको ये एहसास होगा माँ यहीं कहीं आसपास खड़ी, आपके सिर पर हाथ रखकर आपको दुलार रही है। माँ 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 संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ माँ कलम है, दवात है, स्याही है।
माँ माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। वाह, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ।